Hello everyone, myself Shashi Roy from Green English School. As you already know, we were discussing the chapter 6 of class 11th judiciary. In this chapter, we have discussed till the role of judiciary, how judiciary works as an interpreter of the constitution. After that, we read why do we need independent judiciary. In that, we read the independence of judiciary. After that, we have to read today the very good topic, that is appointment of judges, how the judges are appointed. Okay, let's see. The appointment of judges has never been free from political controversy. There is always there some kind of controversy related with the appointment of the judges. I have already discussed with you people during online classes that some political parties who are, you can say, the ruling government, they want to have those people to be in judiciary who actually favors the government, who always become positive to the government, who always supports the government through their decision, through their workings. But a lot of the time, since it is totally independent, the judges who are not favoring the government, they create the political wing, create some kind of controversy with them, even they try to impeach them forcefully. Let's see, it is a part of the political process. It makes difference who serves in the Supreme Court and the High Court, or difference in how the Constitution is interpreted. Now understand कि कौन लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, कौन जाएंगे हाई कोर्ट में, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता ही है. अगर आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अच्छा है, देन इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट. आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उतना अच्छा नहीं है, तो इट मे पॉसिबल दैट यू विल बी इन हाई कोर्ट ओनली. आपका पूरा जीवन हाई कोर्ट में ही खत्म हो जाएगा, आप वहीं से रिटायर हो जाएंगे. सो कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लुएंस की भी बात आती है कि कैसे आपका पॉलिटिकल अप्रोच है, इन्फ्लुएंस है, और कैसे आप उस सीट तक पहुंच सकते हैं जो हाईएस्ट पोजीशन है. इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी बनने के लिए आपका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अप्रोच होना चाहिए. ये पहले के समय में ज़्यादा था, बट नाउ इट इज़ नॉट दैट मच एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट सिचुएशन. In present situation, I can say. So, the political philosophy of the judges, their views about the active and assertive judiciary or controlled and committed judiciary have an impact on the fate of legislation enacted. ये बात तो बिल्कुल सच है कि किसी भी जज की क्या अपनी आइडियोलॉजी है, उसकी क्या थॉट है, उसकी क्या ओपिनियन है टुवर्ड्स द होल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि कितने लेजिस्लेशन जो इनैक्ट होंगे, कितने लॉ जो होंगे जो पास होंगे, वो उसमें वो हिंडर करेंगे कि नहीं, दे विल एंक्रोच इन दैट और नॉट, वो उसको काउंटर करेंगे कि नहीं. ये सारा चीज़ डिपेंडेंट करता है कि कैसे वो जो जज है उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है. उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्या क्या लेजिस्लेशन होंगे, क्या क्या लॉ होंगे जो इनैक्ट हो पाएंगे, जो पास हो पाएंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर का रोल यहाँ पे हाई कोर्ट में आ जाता है. बट यहाँ अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल जो है वो एट द सेंटर एज वेल एज एट द स्टेट, मीन्स सुप्रीम कोर्ट में भी एंड इवन द हाई कोर्ट में भी इनका अपना रोल होता है. ये सभी मिलके ऑल ऑफ देम इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. हु विल गेट अपॉइंटमेंट, उसमें ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं. दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिव अप्रोच टुवर्ड्स द जुडिशियल अपॉइंटमेंट. एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, CJI, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात किया जाएगा, तो ओवर द ईयर्स ये एक ट्रेंड बना हुआ था. यू नो, सम थिंग्स आर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बट दे आर फॉलोड ड्यू टू सम काइंड ऑफ कन्वेंशन, यू कैन से एक आपस में एक सहमति बनी हुई है, हाँ, कि दिस विल बी फार बेटर. तो इन द सेम वे जो CJI का अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो ओवर द ईयर्स अ कन्वेंशन हैड डेवलप्ड वेयर बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और ओवर द ईयर्स एक कन्वेंशन, एक सहमति लोगों के बीच में बन चुकी थी कि नाउ जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेंगे. जैसे राइट नाउ मिस्टर ए इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इफ़ ही इज़ गोइंग टू रिटायर इन अगस्त, ऑन द 1st of August, तो जो जो भी पर्सन फ्रॉम B to Z, जो भी पर्सन होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा, सबसे अधिक जिसकी एज होगी, ही विल बी ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड. ऐसा था सिस्टम. अभी इसके बारे में देखेंगे कैसे इसमें चेंजेज आते हैं.
दिस कन्वेंशन वॉज हाउ एवर ब्रोकन ट्वाइस, और दो बार इसको तोड़ा भी गया। ऐसे कई बार हुआ है कि द वन हु इज द जूनियर टू द सीनियर मोस्ट जज, जो होने वाला था उससे भी कई जूनियर, कई छोटे उम्र के, कम उम्र के लोग थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इवन जो सीनियर मोस्ट जज था सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपॉइंट नहीं किया। ऐसा दो बार हुआ, अभी रिसेंटली भी हुआ था। इन 1973 ए एन राय वॉज अपॉइंटेड एज CJI, सुपरसीडिंग थ्री सीनियर जजेज। इनसे तीन सीनियर जो थे वो जजेज जो थे वो बड़े थे, उनकी उम्र अधिक थी, बट इवन आफ्टर दैट उनको अपॉइंट कर दिया गया एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। अगेन जस्टिस MH बेग वॉज अपॉइंटेड एज सुपरसीडिंग जस्टिस HR खन्ना, और MH बेग को अपॉइंट कर दिया गया जो सुपरसीड कर गए HR खन्ना, जो कि ज़्यादा सीनियर थे इन कंपेयर टू MH बेग। ऐसा दो बार हुआ है राइट नाउ इन प्रेजेंट सिनेरियो, ऐसा तीसरी बार भी हो चुका है इन प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट। नाउ लेट्स सी द अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द CJI। जितने भी लोग हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होते हैं, उनको हमेशा विद कंसल्टेशन फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो तभी उनको अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करने के बाद। दिस इन फैक्ट मीन दैट द फाइनल डिसीजन इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये क्या करता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो एज यू ऑलरेडी नो द प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द CJI गिव कंसल्टेशन और एडवाइज दैट दीज पीपुल आर मोर अप्रोप्रिएट टू बिकम द CJI। तो प्रेसिडेंट कभी अपना डिसीजन खुद से नहीं लेते, इनका डिसीजन हमेशा जो डिसीजन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। वॉट एवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एग्री द प्रेसिडेंट गिव द नॉड और एसेंट टू दैट पर्टिकुलर वॉट एवर द प्रोविजन, जो कोई भी प्रोविजन होगा, बिल होगा, उस पर हमेशा प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट तभी देते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे एग्री करता है। तो जब कंसल्टेशन मिलेगा CJI का कि हाँ आप इनको अपॉइंट कर दीजिए, इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट कभी डायरेक्टली अपने अपॉइंट नहीं करता है, ही ऑलवेज टेक कंसल्टेशन फ्रॉम होम, ही टेक कंसल्टेशन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वॉट देन वॉज द स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 एंड 1998। Initially, the court felt that the role of Chief Justice was purely consultative. Then it took the view that the opinion of the Chief Justice must be followed by the President. But 1998 के बाद थोड़ा change in scenario होता है, और उसमें ये कहा जाता है कि जो कुछ भी consultation दिया जाएगा from the Chief Justice of India, it should be followed by the President. ऐसा नहीं कि President को उसके ऊपर agree नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए, दो तीन बार उनको रिव्यू के लिए भेजना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि कौन बेटर है कैंडिडेट, वो प्रेसिडेंट अपना उसके ऊपर नॉड मीन्स एसेंट दे सके, अपना एग्रीमेंट दे सके कि हाँ आई एग्री। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज कम विथ अ नोवेल प्रोसीजर, और अंत में एक नोवेल प्रोसीजर के साथ सुप्रीम कोर्ट आता है। इट सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड द नेम्स ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द फोर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट। दैट मीन्स जब भी एडवाइस देगा, कौन कौन एडवाइस देगा, चीफ जस्टिस जब भी एडवाइस देंगे कि कौन हमारे देश का अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, तो ही शुड कंसल्ट एटलीस्ट फोर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेज को वो कंसल्ट करेगा, देन ही विल गिव द फाइनल लिस्ट कि हाँ भाई इन्हीं को बनाया जाना चाहिए। दिस वॉज अ कॉल्ड ऑफ कोलेजियम सिस्टम, यही बन जाता है, अभी देखते हैं आगे बढ़ते हैं। दस द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कोलेजिलिटी इन द मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स, दैट इज वॉट आई एम सेइंग। इसी को कोलेजियम सिस्टम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है कि उनके यहाँ अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कोलेजियम सिस्टम, मीन्स ये एकदम क्लोज इन्वायरमेंट में होता है, कोई और इसमें बाहरी इंटरफेयर नहीं करता है। एंड वॉट एवर दे डिसाइड मीन्स दीज फोर पीपल द सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल दीज फाइव कंसल्ट विथ ईच अदर एंड फाइनली मेक अ डिसीजन दैट हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड कोलेजियम सिस्टम।
एट द मोमेंट देयर फोर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट, मीन्स इनकी बात ज़्यादा में आती है, इनका ज़्यादा भार होता है, इनकी बातों का इसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है कि इन्होंने इसको रिकमेंड किया है, देन वी शुड अपॉइंट देम ओनली, जिनको इनकी रिकमेंडेशन होगी उसी को अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, इसीलिए इनका ग्रेटर वेट होता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, इन्फ्लुएंस क्या सम हाउ यू कैन से 90% फिक्स हो जाता है कि यही अपॉइंट कर रहे हैं, ओनली प्रेसिडेंट गिव्स द एसेंट. दस इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इन वॉट द अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI. नाउ रिमूवल ऑफ जजेज, आई थिंक दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द रिमूवल ऑफ जजेज इज वेरी टफ प्रोसेस इन इंडिया. राइट नाउ ओनली वन और टू पीपल हैव बीन एक्चुअली गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, बट नॉट फुल्ली, सम ऑफ देम इवन ड्रॉप अर्लियर. ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. थैंक यू.